वेलकम पूजा. हेलो सलमान भाई. पूजा आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू भाई. देख लो हमारी स्टूडियो की कैपेसिटी उतनी, पर जब आप आते हो पता नहीं एक के ऊपर कैसे बैठ जाते हैं लोग. क्योंकि इनको एक के ऊपर एक बैठना अच्छा लगता है. शुरू हो गया. मुंबई तो मुंबई, पुणे तक लोग बैठे हुए देखिए आप. भाई ईद के मौके पे आप फिल्म लेके आ रहे हैं किसी का भाई किसी की जाना. आपके फैंस के लिए इससे बड़ा तोहफा हो नहीं सकता. क्यों गाइस? अच्छा सलमान भाई की पर्सनैलिटी ऐसी है, इन्हीं पे सूट करता है किसी का भाई किसी की जान. आए हमारा पांडे, अगर अगर इसको लेके फिल्म बनाओ आप कभी सोच नहीं सकते. जान है इसको भाई क्यों नहीं बनाएगा, जान बना लेंगे इसको. पांडे को देख के टाइटल आया कहीं पे कुलचे कहीं पे नान. अर्चना जी को देख के टाइटल याद आता सब कुछ लूट लिया मड में मकान खरीदा है. वो तो चलो कागजों में तो सब खरीदते ही हैं. यहाँ से लूटा है. अच्छा जिनको लूटा है वो भी बाहर आ गए हैं. क्या सिद्धू जी आ गए हैं बाहर? लेकिन अभी यहाँ पे दो कुर्सियां लगेंगी. That's a good idea. नहीं दो तो उन्हीं को लगती थी, इनको एक और लगेगी, तीन लगेगी. ओह पर भाई क्या कमाल है, मतलब आपकी फिल्म का हम तो इंतजार कर ही रहे थे, लेकिन पठान में जब आपकी एंट्री हुई ना मजा आ गया देख के. क्या ही बात. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. अच्छा पठान फिल्म में शाहरुख भाई देश के लिए लड़ रहे हैं और जब वो भी फंस जाते हैं तब एंट्री होती है सलमान भाई की. भाई देखो आप हमारे शो के प्रोड्यूसर हैं, ये आप ही का शो है तो आप तो घर के आदमी हो गए. आपकी इजाजत हो तो मेहमानों से बात कर लूं मैं. जरूर प्लीज. पूजा जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, हाँ जी, एक संतरे वाली कुल्फी आती थी. मुझे कसम से आपको देख के उसकी याद आ गई आज. मैंने बहुत खाई है अभी तक के, मेरी आवाज गई है उसके वजह से. वो ऑरेंज स्टिक आया करता था और फिर एक मैंगो स्टिक आई करती थी, फिर एक कसाटा करके एक आइसक्रीम हुआ करता था, फिर एक चीकू कुल्फी हुआ करती थी, एक मैंगो कुल्फी हुआ करती थी. तो ये सब मैंने बहुत खाई है. और वो कैरी के ऊपर, मीठे कैरी के ऊपर, तोता परी आम के ऊपर वो थोड़ी मिर्ची नमक देके वो खिलाते थे, बिमली खिलाते थे, आंवला खिलाते थे, वो खट्टी इमली, और यहाँ पर एक इंग्लिश टैमरिन हुआ करता था सफ़ेद वाला, फिर लव एप्पल जिसको हम कहते हैं आई थिंक आइस एप्पल कहते हैं. ये तो आप ही ने ज़्यादा खाया भाई लव एप्पल. हम बांद्रा क्योंकि बांद्रा में रहे हैं तो, और उस वक्त एक ऐसा वक्त था जबकि घर पे इतना ज़्यादा खाना नहीं बन पाता था, तो हमने बांद्रा के हर फ्रूट खाए. अच्छा शैतू तक के बांद्रा में लगा करता था, चिरौंजी, फालसा, तारगोला, नारियल, हर पेड़ बांद्रा का हमें पता था, हर पेड़ चढ़े हैं, हर माली ने मारा है हमको. वाह क्या बात है, बचपन की चीजें याद आ गई इतनी सारी. अच्छा पर आप मेरे आउटफिट को देखो आप, आपका जलवा कैसा, आप बड़ी प्यारी भी लग रही है सलमान भाई के साथ, पता है? नहीं तो सारा साल सलमान भाई शेरा का मुंह दे देख के बोर हो जाते. कभी कभी इतनी आदत पड़ जाती है जब शेरा को नहीं देखते तो किसी और पे दाढ़ी लग जाती है. ये सब कॉमेडी में ही लो, ये कोई सीरियस नहीं है. दाढ़ी वाली औरत किसी को ना पसंद. जो कि आपने कोविड में लॉकडाउन में बहुत देखी होंगी. भाई आप एक तो खुद ही बोल जाते हो फिर बोलते हो सीरियसली मत लेना. और हमारे दिमाग में कोविड वाली फोटो घूम रही है. पता नहीं चलता था कोविड में कि टांग किसकी है, खुद की है या बीवी की है. ओहो इनका एक्सपीरियंस है ये. उस एक्सपीरियंस के अंदर दो बच्चे पैदा कर लिए. भाई देखो कोविड में आप तो थे फार्म पे खुली जगह घूमने की, हम तो थे दो कमरे वाले फ्लैट में. तो फिर बस मैं तो खेतों में भाई खेतों. अच्छा मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि सलमान भाई को आज थोड़ा कफ कोल्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी भाई यहाँ पे आए हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. बहुत बहुत
तो पूजा, जब आपको पता चला कि आप सलमान भाई के ऑपोजिट फिल्म कर रही हैं, एक सेकंड के लिए तो दिमाग में आया होगा कि ये मेरे भाई बनेंगे या मैं इनकी जान, क्या सोचा था आपने? जवाब दो। मैं कहना चाहती हूँ कि ये फिल्म में मैं जान हूँ और... जी हाँ, और मैं भाई हूँ। भाई वैसे भाई तो आपको हर कोई बोलता है, जान बोलने का हक किसको दे रखा है आजकल? वो किसी को हक नहीं देना जान बोलने का, जान से स्टार्ट होता है और फिर जान ले लेते हैं। I am so happy to be with you. मैं इतनी खुश नसीब हूँ, थोड़ा सा वक्त निकल जाता है उसके बाद आई लव यू आता है, जैसे आई लव यू आया, जैसे पता चला कि ये फंसा, उसके बाद आपकी जिंदगी बर्बाद। जान एक बड़ा ही इनकम्प्लीट वर्ड, एक्चुअली पूरा सेंटेंस शायद ये होगा कि जान ले लूंगी तेरी, उसके बाद किसी और को जान बनाऊंगी, उसकी भी जान लूंगी। ये तू जानता नहीं है, ये तू तब जानेगा, उसके बाद वो जानेगा। ओहो, ये बातें आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? इस फिल्म का ना गाना बड़ा आजकल खूब चल रहा है, नाचेंगे हम तो उठा के लुंगी। भाई पहली बार आपको देखा लुंगी में डांस करते हुए, आपको डर नहीं था कि कहीं लुंगी खुल गई तो सारा प्रमोशन इधर ही हो जाएगा? हम तो हर शॉट के पहले लुंगी पहन लेते थे क्योंकि हमने शॉर्ट्स पहनी थी। अच्छा जी। और जैसे सिद्धार्थ और राघव को पता चला कि लुंगी आई और लुंगी उठा के डांस करना है, हाँ। तो उन्होंने लेग्स मारना शुरू कर दिया। हाँ, एक्चुअली मतलब टांगे देखेंगे लुंगी में तो स्ट्रांग होनी चाहिए, अच्छी बात है। और सब बाल बाल निकाल के। मेरे को अर्चना जी ये बोल रही थी, कहती कि पूजा ने इतना काम किया है साउथ में भी और यहाँ पे भी इतना काम कर रही है, तो जब आपका डोसा खाने का मन होता है उधर चली जाती है, समोसा खाने का मन होता है इधर आ जाती है आप, ये इस बात में सच्चाई है कोई? अरे यहाँ पर भी तो डोसा मिलता है यार। हाँ। समोसे वाला डोसा मिल जाता है। मैं भेज दी थी आपके घर पे डोसे। इसी का यही एंगल था इसका। हाँ। कि कुछ फ्री में इसके घर आए, ये मेरा एंगल था। हाँ। हर यूनिट पर यही मिलता है, डोसा ही मिलता है, इडली मिलता है, सांबर ये मिलता है हर यूनिट। इन्होंने डोसा बनाया था ना, वो पंजाब चले जाए तो पंजाब वालों को अपना ही तड़का है, बटर चिकन डोसा भी आता है वहाँ पे, हर तरह का। हमें पिक्चर कर रहे थे ट्यूबलाइट, उसमें हमारी हीरोइन थी जूजू, चाइना से आई थी। अच्छा जी। तो हमने सोचा कि यहाँ से बेस्ट रेस्टोरेंट से हर प्रकार का चाइनीज डिश लाएं। अच्छा। तो जैसी लैंड हुई सेट पर, ऐसे कम जूजू हैव सम चाइनीज, वो करीबन 20 डिश देखी उसने। अच्छा। आई कुडंट रिकॉग्नाइज एनी ऑफ देम। चाइनीज में एक डिश नहीं है। हाँ, वो पहचान नहीं पाई होंगी ना, एक डिश नहीं है। पर जब उसने खाना शुरू किया तब उसको वही चाहिए था, रोज चाइनीज। वाह, हमारा तड़का जब लग गया। इतना स्वाद है हमारे चाइनीज के अंदर। So, भाई और उनकी जान जो है यहाँ पे मौजूद हैं। अब फिल्म में इनके तीन भाई और उनकी तीन जानों को यहाँ पे बुला लेते हैं, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर राघव जुआल और शहनाज गिल, जस्सी गिल और पलक तिवारी, और सिद्धार्थ निगम और विनाली भटनागर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। नॉर्मली क्या हमारे 6 लोगों के बैठने की जगह होती है, अभी सलमान भाई को कौन मना करे, इनके तो दोस्त 20 बाहर ही बैठे हुए हैं सोफा डाल के, और एक तो सामने बैठे रहते हैं नदीम भाई। तो आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। C-C-E-E-O-O-Yo. यो। आइए प्लीज, कृपया विराजमान हो जाइए। अच्छा, मुझे सबको देख के खुशी तो हो ही रही है, पर सबसे ज्यादा खुशी मुझे किसको देख के हुई, ये छोटी सी लड़की पलक, इनकी मम्मी जो है श्वेता तिवारी जी, जिनको आप सब जानते हैं, जब हम कॉमेडी सर्कस करते तो इतनी सी थी ये, तो अभी सडनली देखा मैंने इतनी लंबी हो गई। How are you, Palak? I'm good, How's your sir. mom? Good? She's good, sir. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शहनाज, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। मैं हूँ ही प्यारी शुरू से ही। बस बात खत्म। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप बोलती हुई अच्छी लगती है, शांत मत बैठा करो गिल साहब। आप वो थोड़ा सा ना ड्रेस मैंने मॉडर्न डाली है तो मैं उस हिसाब से बैठी हूं। ऐसी ड्रेस पहनो तो चुप हो जाता बंदा। Yes, of course, you know. पटियाला शलवार कैसे मंगा देते हैं आपके लिए। अच्छा, शुरुआत अभी शहनाज से हो ही गई है, तो आप सब जब शूटिंग कर रहे थे कितना परेशान करती थी आप सबको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं बोलती थी? परेशान तो नहीं करती थी। बोलती बहुत है वैसे, जब मूड में आ जाए तो। हमने कभी इसे मूड में आने ही नहीं दिया। लड़की भयंकर है, लेकिन ये भयंकर भयंकर ही बोलेगा इनको। मतलब एक्टर अच्छी है, डांसर अच्छी है, और अच्छा काम किया है फिल्म में, उस हिसाब से मतलब भयंकर। अच्छा, उस हिसाब से। अच्छा, राघव को आप सब तो सही है।
राघव को आप सबने देखा है, बहुत सारे टीवी शोज में भी कमाल के डांसर हैं, कमाल का बोलते भी इतनी रौनक लगाते हैं अपने शो में। इनका स्लो मोशन वाला डांस बड़ा फेमस है। जब आपको पता चला आपको सलमान भाई के साथ फिल्म करनी है तो आप स्लो मोशन में गए थे कि भाग के गए थे कोई और ना लपक ले? तुरंत भाग के, और एक दिन में 4 बार भाग के आया मेरे पास, 4 बार। एक बार करके दिखा देना राघव प्लीज, थोड़ा सा स्लो मोशन में। आपने एक बात नोटिस की क्या, इसका स्लो मोशन और भी स्लो हो गया है। जैसी बाजी कैसे हो आप? ऑल भाई, बड़े हैंडसम लग रहे हो आप। थैंक यू सो मच। काला चश्मा लगा के थैंक यू। आप सलमान भाई के छोटे भाई का रोल कर रहे हैं जी भाई। आप सोहेल भाई से जाके मिले? मैं मिले। पूछा आपने? परमिशन लिया, परमिशन पूछा आपने कि कितना बोलना है इनके आगे कितना नहीं? नहीं, वो आवाज निकलती नहीं, पहले नहीं निकलती मतलब। अच्छा जी, भाई के सामने बिल्कुल नहीं निकलती। पर वो जो डायलॉग होते हैं वो तो बोलने ही होते हैं, मेरे खुद के फंबल हो जाते कभी कभी। सिद्धार्थ एक बात बताओ, बड़े कब हुए आप? मैंने अभी थोड़े दिन पहले टीवी में देखा था, बहुत छोटे से थे, एकदम हैंडसम बॉय बन के आ गया। बड़े में मतलब बड़े सब होते हैं, 8 साल लगे मुझे बड़ा होने में। बड़े सब होते नहीं, एक्चुअली ये दो लोग ऐसे हैं ना जिनको हमने इतने छोटे छोटे देखा है। पलक मम्मी को बता के आई आप आज हमारे शो पे आ रही हैं, क्या बोला उन्होंने? पर आपको पता है सर, मैं बहुत बहुत छोटी थी एक्चुअली। मेरी आपसे कंप्लेन है क्या? कि मेरे पूरे बचपन में वैसे भी मेरे नाम का बहुत मजाक उड़ाया है, पालक पालक पालक। अच्छा। फिर उसके बाद आपने कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया पलक। हाँ। जो मुझे आज तक लगता है मेरे नेम पे बेस्ड है, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे बोला था एक हफ्ते पहले उसकी, आपने मेरी मॉम को बोला था कि बेटी का नाम बहुत अच्छा है, एंड देन फिर आपने पलक रख दिया। नहीं, आप उस वाली पलक को देखो, आपको लगता है कोई सिमिलैरिटी है? वो एक्चुअली पालक ही है। हाँ, वो पालक ही साथ में पनीर भी है। तो पलक की हम बात कर रहे थे, पहली फिल्म कर रही है पलक आप सलमान भाई के साथ, दूसरी मैंने सुना संजय दत्त साहब के साथ करनी है आप, और टीवी पे आई हैं तो पहली बार ही हमारे शो पे आई हैं। आई थिंक आपकी विश लिस्ट तो कंप्लीट हो गई होगी। पूरी की पूरी सर, पूरी की पूरी। और क्या क्या करना है पलक आपको, इतनी छोटी एज में इतने अच्छे अच्छे काम कर रही हैं आप? सर अभी इतने मैंने आगे तक का सोचा नहीं है, फिलहाल तो आई एम वेरी हैप्पी कि सलमान सर एंड देन संजय सर, फॉर मी इतना सरल एक्सपीरियंस है, क्योंकि सेट पे आई रिमेंबर वन डे सलमान सर वाज टॉकिंग अबाउट हाउ मच ही लव्ड वर्किंग विद संजय सर, एंड इन अ फ्यू वीक्स ऑफ दैट द संजय सर फिल्म गॉट फाइनलाइज्ड, सो इट वाज लाइक वाओ, आई विल गेट टू एक्सपीरियंस इट माइसेल्फ। वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सिद्धार्थ जो है ये बड़े टैलेंटेड है, ये टीवी पे काम करते हैं, फिल्में भी कर रहे हैं, अभी हाल ही में इन्होंने गाना गाया तुम मिली। आप सच्ची में इतने टैलेंटेड हो कि आपने सोच रखा जो जो कपिल शर्मा करेगा मैं भी करूंगा? नहीं, मैं सलमान सर से इंस्पायर हूँ। अच्छा। सर भी सब करते हैं तो मुझे लगता है कि सर ने मुझे बोला कि सब कुछ आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा फिटनेस भी। कुछ चीजें छोड़ दे, बहुत तकलीफ देती है। अरे सलमान भाई को आप फॉलो करते हो एक्टिंग में और बॉडी बिल्डिंग में फॉलो करते हो, या सिंगल रह के डबल वाली फीलिंग भी ले लेते हो? आपको कैसे पता? अरे क्या, हमको क्या पता, हम क्या कहीं और से आए? सबकी कहानी सही में फिर। ओह, विनाली जी इनका स्वागत कीजिए हमारे शो पे, पहली बार आई हैं। आप इंडियन अटायर में इतनी प्यारी लग रही हैं, ऐसा लग रहा है आपकी रिसेप्शन है, हम सब आपको बधाई देने आए हैं। विनाली का नाम ही बड़ा प्यारा है ना, ऐसा लगता है कोई आइसक्रीम का फ्लेवर है, वनीला टाइप। आपका नाम लेते ना मुंह मीठा हो जाता है। अरे नदीम भाई तो बता रहे थे कोई आपका नाम 2 बार ले ले उसकी खांसी ठीक हो जाती है। ट्राई करें। हम दोनों को लगी हुई है विनाली। विनाली ये तो और खराब हो जा रहा है। विनाली मतलब क्या होता है इसका, विनाली का? मेरे नाम का मतलब होता है प्योर। प्योर मेरे जैसे? ओ, तो बाकी सब में मिलावट है, आपको क्या लगता है? मैं नहीं हूँ ना, तो लाइक प्योर बिना मिलावट की आगे भी नहीं होगी, बट जस्ट इन केस। विनाली का मतलब होता है वी एंड नाली। सलमान सर ने नान रखा है 2 दिन से, ही इज पुलिंग माय लेग नाउ, आई विल बी क्वाइट। अभी तो जब तक प्रमोशन चलेगी तब तक ये कंटिन्यू रहेगी ये दवाई। कास्टिंग कैसी हुई थी सबकी, थोड़ा थोड़ा कुछ प्रकाश डालें आप। मुझे तो पहले भाई का फोन आया। अच्छा। तो मैं एक शूट कर रहा था, मुझे भाई का फोन आया तो किसी ने आके बोला कि अरे सलमान भाई का फोन आया,
मैंने कहा उनको बोल बाद में बात करूंगा, सलमान भाई मैं तो डांसर हूं। तो मुझे लगा कि नहीं पहला बंदा को नहीं यार, मैं कहां मलाड वेस्ट में रहने वाला आदमी। हाँ। तो मुझे बोला कि फोन आया, तो मुझे लगा अरे उनको बोल, अरे नहीं सलमान भाई मेन वाले। मैंने कहा मेन वाले? तो मैंने डायरेक्टर बोला सर मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो मैं कैसे कैसे करके वैनिटी पहुंचा, फिर सर से बात करी, तो भाई ने बोला कि राघव फिल्म है, तुम पहले तो डांसर ही घंटी बजते की कोरियोग्राफी करनी है, डांस करना है, क्या करना है, फिल्म है उसमें तेरे को एक्टिंग करनी है, तू आ जा। बस ये पॉज था। और यही रात थोड़ी देर, मैंने कहा ठीक है भाई मैं आता हूँ, कहाँ आना है। अब मैंने नर्वसनेस में भाई को क्या बोला, मैंने कहा ठीक है भाई मैं कल आता हूँ, भाई आप व्हाट्सएप में एड्रेस भेज दो मैं आता हूँ। अरे यार किसी और से ले ले तू एड्रेस, याद है आपको? तो मैं नर्वस इतना हो गया था उस वक्त कि मैंने बाद में सोचा यार फिल्म में ना ऐसा हो जाए। तो सलमान भाई राघव की ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपको लगी कि यार इसको लेना चाहिए? नहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो 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 इन्होंने किया है हम चाहते थे वो बिल्कुल ना करें। उसमें हम बड़ी मुश्किलात बड़ी। अच्छा जी। हम इनको एज अ हीरो दर्शाना चाहते थे, ये एज कॉमेडियन घुसे जा रहे थे। नहीं मुझे बहुत हेल्प मिली उससे, मुझे भाई ने बोला कि तू 70 mm में इतने बड़ी स्क्रीन पे आएगा, तू इतना करेगा तो बहुत ज्यादा दिखेगा, गंदा दिखेगा। तो हर इत्तेफाकन दिख रहा था इसलिए रीशूट करना पड़ा हर तुम्हारा काम। मेरे को मतलब हाँ मतलब बहुत सारे टेक देता हूँ मैं खुले दिल वाला हूँ, ऐसा वाला है। सबकी कंटिन्यूटी बराबर, सिर्फ इनकी बराबर नहीं, ऐसे कभी ऐसे ये कभी ऐसा, हर शॉट के अंदर ऐसे काटेंगे, मैच कैसे करेंगे इसको, अब इनको टीवी की आदत है। हाँ। हर एक के बाद समझ में आ गया इनको। हाँ, मतलब मैं फैल जाता थोड़ा सा। कंटिन्यूटी समझ में आ गई है। एक सीन में मूंछ नहीं था, फिर मूंछ डाला गया। एक शॉट में चश्मे, एक शॉट में चश्मे नहीं। हाँ, डिस्ट्रैक्टेड एक्शन हो गया है, ये कहीं और देख रहे हैं। अपने को आदत पड़ी होती है ना मल्टीकैम सेटअप की। हाँ, और दूसरी चीज अभी तक विश्वास नहीं होता ना कि तुम सलमान खान के साथ एक फिल्म कर रहे हो, तो वहां जैसे ही बोलते थे ओके एक्शन, भाई आते थे टेक। तो बंदा कैसे कंटिन्यूटी कैसे याद रखे, वहां तुम उसी उसमें होते हो ड्रीम में कि ये ड्रीम ही चल रही है, ही नहीं रही है ही नहीं, मतलब विश्वास ही नहीं होता। सो प्राउड ऑफ यू ब्रो, आपने इतना। और फिर परसों शूटिंग है, ये बैठे देहरादून में। अच्छा। नहीं निकल लिए, ये राघव कहीं जंगल में निकल लिए, कहीं पहाड़ों पे निकल लिए, कहीं समुन्द्र में स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं। भाई ये तो आप भी करते हो, देखो थोड़ा थोड़ा। और ये तो मैं एक चीज सीखा हूँ सर से, हम जितने भी चिटर पुटर सेलिब्रिटी यहाँ बैठे हैं, सबके पास छाता होता था, चिटर पुटर वो होता था, स्पॉट दादा एप्पल लेके आ रहे हैं, मैंगो ले, भाई धूप हो आंधी हो बाहर बैठे हैं, कोई उनको नेचर से इतना लगाव है, मतलब आई लव ये चीज उनकी, और मैं उनसे ये चीज सीखता हूँ बार बार कि तुम कितने भी ऊंचे हो जाओ बड़े हो जाओ, तुम सिंप्लिसिटी अपनी मत खोना। क्या बात, वो मैं आपसे सीखता हूँ भाई। शहनाज आप उस शो में भी रही हैं जिसको सलमान भाई होस्ट करते हैं, अब आप सलमान भाई की फिल्म में भी आ रही हैं, तो उसकी कुछ पेमेंट बाकी थी जो आप फिल्म में वसूल ले आई? उसमें तो मुझे पेमेंट बहुत ही कम मिली थी, सबसे सस्ती मैं ही थी और सबसे महंगी बन के निकली हूँ। ये जब तालियां मारते हैं ना, मेरी आधी चीजें तो वैसे ही भूल जाती है। अब देखो सब हंस रहे, तालियां नहीं बजा रहे। हाँ, आराम से, बच्ची डिस्टर्ब होती। जी तो बताइए आप। आटी माजा सटकले, क्या बोलते हैं उसको? आता माजी सटकली, वो हो जाता है। अच्छा तो क्या पूछा था? मतलब कैसे फिर भी नहीं पड़ी, फिर भी भूल गई तुम। वही ना, वो तालियों की वजह से भूली हूँ। अच्छा। कंटिन्यू हो रहा है ना वो। अच्छा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब मैं आपके शो पे आया ना, तो हमने इंस्टाग्राम पे वो साथ में रील डाली। हाँ। मुझे कितने सारे लड़कों के मैसेज आए कि सर हमें शहनाज से मिलवा दो, कईयों को तो मैंने डिसेंट से कमेंट्स, मैं उनकी प्रोफाइल पे भी जाके देखा, बड़े डिसेंट लड़के थे। तो अगर मुझे इतने कमेंट्स आ गए, आपको कितने आते होंगे? तो कितने लड़के हैं जो आपसे प्यार करते हैं? मैं कहने का मतलब ये है, तो अच्छी बात है, मुझे प्यार करो, मैं हूँ ही प्यारी, मैं लोगों को प्यार गलत ना हो जाए।
उसे पता लग गया कुछ गड़बड़ निकल रहा है. We understood. सारी दुनिया को प्यार बांटने के लिए ही तो हम बने हैं, है ना? तो सबको बांटना चाहिए यार प्यार. बट ये है कि लड़के क्या नहीं, ये बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर आदमी को एक, हाँ मतलब मैं प्यार करने के लिए रेडी हूँ, मैं मूव ऑन होने के लिए भी रेडी हूँ, बट लड़का जिसको मैं प्यार करूंगी वही अलाउड है. अरे वो लड़का जो तुमको प्यार करेगा वो बेटर है. ऐसा कि तुम उसे प्यार करो और वो तुमसे प्यार नहीं करेगा. सर आप गलत हो यहाँ पे. प्यार पहले मैं करूंगी, उसके बाद मैं करवा लूंगी उससे प्यार. ठीक है, ये बात अच्छी है. चलो पहली बार मैं गलत हुआ हूँ. और ये बात तुमको बाद में पता चलेगी कि तुम कितनी गलत थी. But you're ready to move on. Yes. Say bring it on. Bring it on, man. Okay. बस यही बारी था क्योंकि you know Sid, you know का देहांत हो गया, इंतकाल हो गया बहुत टाइम पहले, और फिर पूरे सोशल मीडिया पर you know इनको सिड नास करके अब वो दुनिया में नहीं रहा. वो खुद जहाँ पर भी वो भी यही चाहेगा कि उसके जिंदगी में कोई आए, यू नो शादी हो जाए, बच्चे अच्छे हो जाए. बड़े कोई सोशल मीडिया वाले कोई हैं सिडना लेके, क्या जिंदगी भर ये कुंवारी रहेगी क्या? और ये जितने भी सिडना करते हैं उनमें से एक को इसने चुन लिया, वो खुद बोलेंगे हाँ ठीक है मैं तुम्हारी ठीक है. हाँ बात सही है बिल्कुल. तो दुनिया की नहीं सुनने का, बातें सुनना नहीं, अपनी दिल की सुनो, समझे? मूव ऑन इन लाइफ. हो गया दोस्तों, अब वक्त है किसी का भाई किसी की जान से एक और मेहमान को यहाँ बुलाने का. ये वो सिंगर है जिनके नए गाने तो हिट होते ही हैं, इनके जो 25 साल पुराने गाने हैं वो भी आज तक चल रहे हैं, और क्या चल रहे हैं आप समझ जाएंगे जब मैं उनका नाम लूंगा. प्लीज वेलकम मिस्टर सुखबीर. हाउ आर यू ब्रदर? वेलकम भाई. थैंक यू. वेलकम. हाउ आर यू सर? सुखबीर भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू सो मच सर. जिसके साथ भी आपकी ज्यादा बनती है उसको उठा के आप बैठ जाओ. जैसे मैंने ये बात की अर्चना झट से बैठ गई. देखो आप आइए बाजी विराजमान हो जाइए. अच्छा सलमान भाई, जैसे फिल्म में ट्रेलर में हमने देखा है आपके तीनों भाई जो हैं ये मिलके आपको शादी के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं. तो ट्रेलर देखने के बाद सोहेल भाई और बास भाई ने बोला ना कि हमारी तो कभी सुनी नहीं, उनकी सुन रहे हो आप? उन्होंने कभी मेरी नहीं सुनी. अच्छा अब सुन रहे हैं. Such a brilliant song this is. बिल्ली बिल्ली अखां वाली ए. सुनते ही मेरा दूध पीने का मन करता है. कटोरी चाटू अलग. मेरा तो मन करता है मैं बिल्ली बन के चूहा पकड़ू, उनको लॉन्च कर दू. चूहा ऑफ द ईयर. माई गॉड कपिल, कपिल माई गॉड लुक एट. हेलो हेलो सर. How was Zugato? Very nice, sir. Amazing. Thank you. क्या मैं तुम्हें दाई माँ कह सकता हूँ? Why? वो भी डिलीवरी करती है, तुम भी कर रहे हो. आर्चू पाय लागू. सलमान सर आपके थाइज लागू. By the way, Pooja, you looking ravishing. Thank you. My God, look at you, boy. बिना हड्डी की जान जुयाल. जुयाल. How are you? Good. Sukhbir Paji, I've been your fan since like before common era. Thank you. Seriously, like oh ho ho, it's oh my God. Okay, now that I'm here to do my coffee wala show. So let me begin. Ladies and gentlemen, welcome to Coffee with Churan. Powered by the Kapil Sharma Show. For my first guest, I'd like to introduce जो आएंगे यहाँ पर in a bit, who's very fit and देते हैं hit पे hit. Please welcome the खिलाड़ी कुमार. Same. Wow, amazing. मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. भाईजान नमस्कार. यार क्या हुआ? मजा आ गया, सच कह रहा हूँ.
कपिल शर्मा शो में आज सितारों का बूफे लगा हुआ है, बूफे। एक से बढ़कर एक कलाकार आए, ये दो ही जगह पे हो सकता है। पहला जहाँ पे सलमान भाई की फिल्म हो, दूसरा अगर फिल्म हो सलमान भाई की। लेकिन आज तो माहौल बिल्कुल अलग है, आज तो नई चीज हो रही है, सलमान भाई की फिल्म आ रही है आज, क्या बात है। सलमान साहब, कुछ दिन पहले मेरी फिल्म आ रही थी तो आपने प्रमोशन किया था, रील बनाई थी मेरे साथ, आपको याद होगा। तो मैं भी आपकी फिल्म आ रही, मैं कुछ करना चाहता हूँ आपके लिए, जो आप कहें, जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूँगा। जीजा जी आप बोले हेलीकॉप्टर से लटक के आना है, वो हो सकता है। आप बोले ट्रेन को रोकना है, वो हो सकता है। अगर आप बोले कि आग लगानी है तो वो भी हो सकता है, जो आप बोलेंगे इसको करवा दूंगा मैं। नो 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 नो, मैं आग वाग नहीं, मुझको आग में से गरम गरम चटके लगते हैं। बट अगर एसी 16 पे हो देन मैं आग लगवा लूंगा। चिंता मत करो चुरन, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स आई नो अकी, आई जस्ट लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर। जब यहाँ पे आता हूँ गिली गिली किससे करते हो मेरे को, तो गिली गिली किससे आप क्या करो। बट किसियाँ तो गिली गिली होती हैं, कोई भेल थोड़ी है गिली सूखी का ऑप्शन मिलेगा। बाय सुखी पाजी, यू शुड मेक दैट सॉन्ग, बना देते हैं। गिली गिली किस सोनी है। बड़ा ही कमाल का स्टेप है, लेकिन पाजी आप इनकी बात न सुने, गंदी गंदी बातें करते हैं। गंदी गंदी बातें। आप देख रहे हैं यहाँ पे यंगस्टर्स आए हुए, बच्चे भी आए हुए, क्या सीखेगा देश ये देखो, इतना स्मार्ट लड़ना है, क्या बात है, इतना स्लोमो है ये, गजब का कमाल का स्लोमो है ये। एक लड़की ने इसको वैलेंटाइन पे बुलाया, रक्षाबंधन पे पहुंचा ये। पलक जी हाय, कैसी हैं आप? आपकी जो सिस्टर है श्वेता जी, उनको मेरी तरफ से हाय बोलिएगा। ओ करेक्शन करेक्शन, सिस्टर नहीं, वो इनकी मम्मी है। क्या बात कर रहा है? हाँ। नहीं नहीं, सच्ची सच्ची या कसम से, मैं नहीं मानता। मुझे लगता है इनकी मम्मी को वो स्कीम मिल गई, 21 दिन में खूबसूरती डबल हो जाती है। ओके ओके, नाउ रक्षित, नाउ दैट यू आर हियर, सबसे इंट्रोडक्शन हो गया, व्हाई डोंट यू गेट सीट, जस्ट बैठ जाओ। मैं नहीं बैठूंगा। तू क्या चाहता है, मैं बैठ जाऊं, काम करना बंद कर दूं? नहीं, मैं काम करना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना, मैं तो चाहता हूं कि ये जो बैठा हुआ सिद्धार्थ, इसकी बायोपिक में मैं काम करूं। नो नो, आई वॉन्ट यू टू सिट, का मतलब हम चाहते ही तू एयर यहाँ बैठ पर, तो वो के बाद कुछ बातचीत तमार तोहार हुई तो करे बाद हम बात करब ना, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। अच्छा, मतलब आप कह रहे वैसे ही, मतलब ऐसे ऐसे, ओके कन्वर्सेशन फाइन, ओके सो लेट्स बिगिन द कन्वर्सेशंस ओवर अ कॉफी। या श्योर, व्हाई नॉट। ये क्या है? कॉफी, जस्ट ट्राई इट, ट्राई ट्राई, इट्स रियली अमेजिंग। All right. To begin the conversations, yeah. I'd like to ask, आपको सलमान भाई के बारे में ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा पसंद है? इनकी bachelor life. Oh. क्या होता ना कि देखिए, मैं आपको एक जिंदगी की सच्चाई बताना चाहता हूँ, जब इंसान bachelor होता है तो टाइगर जिंदा रहता है, ठीक है? लेकिन वही जब मैरिड हो जाता तो शायद टाइगर शर्मिंदा हो जाता है। Being bachelor is very important, you know. Okay, now tell me, अगर सलमान भाई के फार्म हाउस पे या उनके घर में पार्टी हो, हाँ, तो सबसे पहले वहां पर कौन पहुंचेगा? पार्टी भाईजान के घर में रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा। मम्मी जान कहा करती थी, हमें जान कहा करती थी, हमें जान कहा करती थी, हमें जान क्या कहती थी मैं भूल गया, बट हमें जान कहा करती थी कि कुर्सी की पेटी बांध लो, हमें जान कहा करती थी अपनी कुर्सी की पेटियां बांध दीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। एक मिनट, हेलो भाई, अपन इधर सोफे पे बैठे हुए, कौन सी कुर्सी की पेटी की बात कर रहा है? वो तो फ्लाइट में होता है ना, कुर्सी की पेटी, वो सब बेल्ट, ये प्रॉब्लम का है, माहिती है क्या है?
ऐसा है ना, तू दिसायला शाहरुख दिसत नाही. अच्छा, त्याला डायलॉग बोलू ना तो शाहरुख बनते. ही इज जस्ट सबजुगेटिंग हिमसेल्फ इनटू अ शाहरुख. वेरी नाइस भाईजान. मैं कैसे बताऊं कि आपने मेरे लिए क्या किया है. आपकी एक एंट्री से मेरी पठान के चार चांद लग गए. आपने जो कैमियो किया है, अब आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं. आप बोलिए तो, ट्रेन के आगे से कूदना है, हेलीकॉप्टर से कूदना है, या कहीं आग लगवानी है. हाँ बोलिए, मैं उससे करा दूंगा. आई टोल्ड यू, मुझे वो आग में से चटका चटका, इट लाइक चटक्स मी. हाँ, लेकिन अगर एसी 16 पे रखो तो ये वो भी कर लेगा. ये कर सकता है. एसी चाहिए, एसी चाहिए पूरे टाइम एसी चाहिए. रुक रुक, कम हो या कम कम. आइए जल्दी आ. अरे आ रहा हूँ. ना कम, हैव अ सीट. Please sit on the coffee couch. Yeah. Now, let's begin the conversation. By the way, Ruk Ruk, why did you get so late? You know, मग्गे से कॉफी पी रहे. 1100 में 100 कम पड़ गए थे, तो मैं वही गिन रहा था. अबे कैसी बात कर रहा है, इतना बड़ा स्टार हो गया, 1100 में 100 कम. बड़ी सोच रखो, बड़ी. 100-100 रुपए क्या गिन रहे हो? Hey, अरे 1100 करोड़ में 100 करोड़ कम पड़ गए थे, वो गिन रहा था. Oh. Yeah. 1100 करोड़. yeah. अबे तेरे बैंक में अकाउंट है कि अकाउंट में पूरा बैंक घुसाया हुआ तूने? 1100 करोड़ कितने होते पता है? माय गॉड, कोई इतने पैसे मेरे अकाउंट में घुसेड़ दे. नाउ रुक रुक, आईड लाइक टू आस्क, डिड यू वॉच द ट्रेलर ऑफ किसी का भाई किसी की जान? yeah, मैंने देखा ना. प्लीज प्लीज टेल मी. मेरी अम्मी जान कहा करती थी क्या? किसी का भाई किसी की जान नहीं हो सकती. ओके. और किसी की जान किसी का भाई नहीं हो सकती. ये लेकिन ये सलमान भाई है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है. हाँ. सो रुक रुक, व्हाई डोंट यू टेल मी आपकी अगली फिल्म कौन सी है? Hey, what? मदन चोपड़ा. मदन चोपड़ा. मेरी कोई भी मूवी अगली नहीं होती. ओके. सबकी सब ब्यूटीफुल होती है. सब ब्यूटीफुल होती है. मुझे नहीं खेलना, निकल निकालो इसको. ओके ओके, दिस ब्रिंग्स अस टू द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द शो, द रैपिड फायर. एक मिनट, रैपिड फायर. तुम लोगों को प्लासी के लड़ाई पे नहीं जाना है, सिर्फ सवाल पूछूंगा, जवाब देना है. रैपिड फायर राउंड, फर्स्ट क्वेश्चन अक्की टू यू. अगर आप कल सवेरे उठे और आपने देखा कि आप सलमान खान है, तो आप क्या करेंगे? सवेरे उठूंगा और मैं सलमान खान हूँ तो फिर मैं सवेरे उठूंगा क्यों? अगर सलमान खान बनके भी उठना ही है तो फिर मैं जो हूँ वही ठीक हूँ, 4 बजे वाला. ओके, देन द सेम क्वेश्चन टू यू. रुक रुक, अगर आप कल सवेरे उठे, आपने देखा कि आप सलमान खान है, तो आप क्या करेंगे? वैसे इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि अगर मेरी जगह यहाँ पर आज नवाज होता तो वो क्या कहता. क्या? अभी कह ना, अगर मैं नवाज 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 अगर मैं सलमान भाई की जगह उठता ना, तो मां कसम 15 मिनट तक अपनी सांस को रोक के बिरयानी खा के डकार मार के सो जाता. क्या बात है यार, क्या बात है. खाता सो जाता, खाता सो जाता. सोयल का, अरबाज का, ओके, शेरा का, सांप का बिरयानी खाएगा रे तेरा फैजल. दैट्स रियली टचिंग. दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा कि एक अच्छा भला शाहरुख करता हुआ आदमी कैसे प्रोड्यूसर साहब को देख के मिमिक्री करने लगा. अरे मुझे आती है, अरे तभी तो करता हूँ ना. अरे तुझे तो सिर्फ एक ही आती है, हा? अरे टैलेंट है तो दिखाऊंगा ही ना. हाँ तो एक आती है, लेकिन बराबर रुक के कर रहा हूँ. ऐसा नहीं है कि नवाज कर रहा हूँ और अजय देवगन की बू आ रही है पीछे से. वो नहीं है. I know. But तुमने अच्छा क्वेश्चन पूछा. अगर यहाँ पे
अजय जी होते तो क्या बोलते? हाँ. क्या 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 मेरा कोई नाम नहीं है. लोग मुझे बस भाईजान के नाम से बुलाते हैं. भाईजान के नाम से. बड़ी कमाल की मिमिक्री करते हैं आप. यहाँ पे कोई कंपटीशन चल रहा है अलग अलग आवाजों का. रोको यार इसको. क्या कर रहा है ये? तुम लोग आपस में निपट लो. तुम दोनों के बीच मेरा क्या काम है? अरे 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 तो क्या मैं मर जाऊं? मेरी कोई फीलिंग नहीं है? साढ़ा कुत्ता कुत्ता थोड़ा कुत्ता टॉमी. मैं तो सिर्फ ये कर रहा था कि जब इतना बढ़िया शाहरुख कर रहे हो तो और करने की क्या जरूरत है? अलग अलग और कोई बाकी है दिखाना? और कोई दिखाना है? पूरा आइटम करना है यहाँ पे. लेडीज एंड जेंटलमैन, देखा आपने किस तरह से दो मिमिक्री आर्टिस्ट मिलते हैं तो एक दूसरे का बाल नोच के खत्म करते हैं. थैंक गॉड मैं किसी की मिमिक्री नहीं कर रहा. सो यू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द शो. वी आर डन विद द कॉफी काउंट. थैंक यू. कपिल जी सर, इनका नाम क्या है? इन्होंने अकीकी में किए. विकल्प. हाँ. विकल्प विकल्प बहुत अच्छा है. कमाल है. कमाल यार कमाल. यू नो मैं इनको देखता हूँ जब हम देखते हैं बिना कोई साउंड के वगैरह ना तो ऐसा लगता है कि अकी ही बात कर रहा है. क्या बात है? बाकी सब एक दूसरे की मिमिक्री करते हैं बट आपने उनका कैरेक्टर पकड़ा है. सोल पकड़ा है आपने उनका. आप मिमिक्री नहीं कर रहे हो ऐसा लगता है जब आप सामने आते हो. एग्जैक्टली वही कर रहे हो जो कि अकी करता है. इट इज अमेजिंग. अमेजिंग. विश यू ऑल द बेस्ट सन ब्रदर. फैंटास्टिक जॉब. फैंटास्टिक जॉब. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू गाइस. एक बार जोरदार तालियां हमारी पूरी टीम के लिए. दोस्तों जो हमारी फिल्म की मुख्य अभिनेत्री हैं पूजा हेगड़े जी, मैं आपको इनके बारे में थोड़ी नॉलेज देना चाहूँगा. इनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं. इनको तुल्लू आती है, इनको कन्नड़ आती है, इनको मराठी आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान रखती हैं. तो पूजा आपको शुरू से एक्टर बनना था कब? बीच में आपका ताजमहल के बाद गाइड बनने का भी इरादा था कभी? इतनी सारी लैंग्वेजेस मतलब बड़ी बात है. थैंक यू. मतलब पैदा होते होते सर आई डिडंट नो ऑल द लैंग्वेजेस. सीखा मैंने घर में तो हम तुलु बात करते थे. अच्छा. और लाइक आई हैव बीन बोर्न ब्रॉट अप इन मुंबई. मैं मराठी थोड़ा थोड़ा बोल लेती हूँ. जब मैं तेलुगु इंडस्ट्री में मैंने स्टार्ट किया तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता. अच्छा. था एक शब्द भी बोलना नहीं आता था. फिर थोड़ा थोड़ा करके सीखा मैंने और अब मैं खुद के लिए डब भी कर लेती हूँ तेलुगु में. तो जो गाइड बनने का सपना पूरा नहीं हुआ पर एक्टर तो बन गई. और बहुत कमाल की एक्टर है आप. थैंक. अच्छा कोई तो आपको पता आपके बारे में अफवाहें उड़ती हैं, बोलते कि आपने इतना काम किया है साउथ में भी इतना काम किया है. तो कभी कभी आप जब मुंबई से साउथ जाती हैं तो पायलट को भी बता देती कि भैया इधर से मुड़ना इधर नारियल का झाड़ है. ऐसे बोलते हैं लोग कि आपको काफी नॉलेज है. मतलब अरे बाप रे, मेरे बारे में ज्यादा नॉलेज आपको कैसे है? वी हैव अ वेरी बिग सर टीम ऑफ ए वन पर्सन जो हमें बताते हैं ये. और उनकी कुछ पर्सनल रिसर्च भी है. जी जी. हमारे पास इतनी सारी खुराफातें आती रहती ना. जैसे शहनाज के बारे में हमने सुना है कि शहनाज अर्चना जी की इतनी बड़ी फैन है कि शहनाज का खुद का भी कोई चीज खरीदने का मन करे ना तो स्पॉन्सर करवा लेती है क्योंकि आपकी फैन है. अभी ये अर्चना ने जो पहना है माइथो सीरियल से लेके आई किसी का. मैं दिल से बोलूं. हाँ दिल से. मैं आपकी हंसी की फैन हूँ क्योंकि मुझे लगता है कपिल भाई का शो जो है मुझे लगता है मैं कपिल को भाई बोलूंगी उसको बिल्कुल भी बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा. बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं. नहीं तो मैं गिन्नी को बता दूंगी. तो 50% इनका है और मुझे लगता है 60% आपका है. ये 110 का शो है मतलब परसेंट में. सलमान भाई का कुछ नहीं जो प्रोड्यूसर है. अरे अगर आप सलमान सर को इंक्लूड करोगे ना तो फिर तो हम लोग दिखेंगे नहीं ना आप लोग. तो इनको रहने दो अपना शो अपने तक रखो. और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ.
शहनाज अपने बारे में जितनी देर चाहें आप बोल सकती हैं। हाँ। आपको अगर दो मिनट अभी आपको कुछ कहा जाए कि दो मिनट अपने बारे में कुछ बोलना है, क्या बोलने चाहेंगी आप? मेरे बारे में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे ना जोक बहुत लेट समझ आते हैं, सॉरी गाइस। ये नहीं कि मैं हंस नहीं रही, कोई बात नहीं, आज रिकॉर्ड हो रहा, टेलीकास्ट तो बाद में होगा, तो आप बाद में समझना, देख के जब टेलीकास्ट होगा। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब सलमान सर ने मतलब मुझे बुलाया था इस मूवी के लिए कि काम करना है, तो मैंने जब कॉल आया ना मुझे एक अननोन नंबर से, तो जैसे ही आया तो मेरी आदत है अननोन नंबर ब्लॉक करने की। अच्छा। तो मैंने सलमान सर का नंबर ब्लॉक कर दिया था। तो फिर क्या हुआ, मुझे किसी ने मैसेज किया, सलमान सर इज कॉलिंग यू। ओ रुको, मूवी करनी है? मैंने कहा सर स्क्रिप्ट मूवी करनी है या नहीं? करनी है। ठीक है, तो तुझे अभी डायरेक्टर का फोन आ रहा है, सुन ले। ओके बाय, बस बात खत्म। जैसी पाजी, आपके बारे में भी एक हमने अफवाह सुनी है, जब आप ऑस्ट्रेलिया में होते थे आप जी, तो आपको फिरंग लड़कियों के साथ डेट करने का बहुत शौक था। और इतना शौक था कि गाड़ियां धो के पैसे कमा के उनके साथ डेट करने जाते थे। इज इट ट्रू जैसी पाजी? थोड़ा सच है थोड़ा झूठ है, मुझे लगता है थोड़ा सच है वो बता दो। बता दूं पक्का? ये जो मेरे बारे में आप बता रहे हो वो मेरे नहीं है, वो फिरंगी लड़कियों वाली उधर है। अच्छा? हाँ, ये सच है। और गाड़ियों धोने वाली वो मेरी सच। बड़ी मेहनत की यार, क्या बात ब्रो। पर देखो आधा आधा सच तो है ही। जैसे हमने पलक के बारे में भी एक अफवाह सुनी कि नॉर्मली स्कूल्स में क्या पेरेंट टीचर मीटिंग जो होती है वो महीने में एक बार होती है ना, लेकिन इनके स्कूल में 5 बार होती थी, क्योंकि टीचर श्वेता तिवारी को मिलना चाहते थे बार बार, तो इस चक्कर में 5-5 मीटिंग। सही बात है सर? उसका तो नहीं पता, पर मैं स्कूल में बड़ी चंपू टाइप थी, तो मुझे कोई हाई वाई नहीं बोलता था। चप्पू? एकदम फुल ऑन चंपू, तेल वाले बाल, वो यू नो मच्छी एंड ऑल दैट। तो मैं कोई मुझे हाई वाई नहीं बोलता था। फिर जिस दिन मेरी मम्मी आती थी, सडनली ऐसे 50 बच्चे आ जाते, हाय पलक हाउ आर यू। मैं सोचती हूं तुम्हारी मम्मी बोले यार तुम तो बड़ी पॉपुलर। मतलब नहीं, मैंने आज से किसी की शक्ल नहीं देखी है। पर दोस्त नहीं बन जाते थे उस दिन, वो तो होता था, टीचर का पता नहीं। जैसे आप सभी बहुत फिट हैं, सलमान भाई को भी जिम का बहुत शौक है, शूट के बाद कौन कौन इनके साथ जिम करने जाता था? मैंने वहां जितना जिम किया है सिर्फ बाइसेप्स का कह रहा है ठंड। अच्छा। तो मेरा सिर्फ यही बन गया, बाकी का थोड़ा। अरे सिद्धार्थ ने भी ना टीवी में जितने भी काम किए, स्पेशली मतलब हिस्टोरिकल सीरियल काफी किए हैं, महाराजा राजा महाराजा वाले रोल। तो अर्चना जी का सवाल ये था कि कहते रात को जब सोते पजामा पहन के सोते कि शेरवानी? आपने तलवार वगैरह है? रात को सिर्फ लुंगी, ताकि एयर अच्छी आती रहे। एयर अच्छी आती है, वैसे आती नहीं पैक रहेगा। तो करने क्या इधर? सुनो यार तुम क्यों ज्यादा बोल रहे हो? हाँ देखो तुम्हें सिर्फ रेडी होना है, क्योंकि हमें फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है, समझ में? तो तुम जाओ ना फिर, मैं अलग से जाऊंगा। अरे पर हम दोनों साथ में जाएंगे ना, पति पत्नी टुगेदर। ऐसे कितनी बार कहा है जब एक कोई खूबसूरत लड़की आई हो मुझे पत्नी मुझे राघव बोला करो। और आज तो 4 लड़की आई है, तुम्हारा आना बनता ही नहीं था आज तो। ये क्या बोल रही है? अंदर अलमारी में से मेरे 5,000 रुपए चोरी करो, जाके गन्ने का जूस पियो। फालतू में डिस्टर्ब करने। 5,000 क्यों? गन्ने का जूस 50 रुपए में आता है, उत्तरांचल में जाके पियो तुम। ये ना भाई इसकी खासियत है कि बड़ी दूर से बड़ी प्यारी लगती है, जितना पास आती जाती तो ब्लर होता जाता काम। इसके नखरे खत्म नहीं होते ना? बिल्कुल नहीं। पहले बता देते, मैंने फालतू में कॉर्नर की 2 सीट्स बुक की हैं। उसकी टेंशन मत लो, तुम मुझे दे दो 2 सीटें, मैं पूजा को लेके चला जाऊंगा। सुनो, आज एक शर्त लगाते हैं इनसे, आप इनकी पत्नी हो ना यहाँ पर। हाँ यहाँ माँ वहां पर बैठी है, सेम चीज ये अपने घर पे जाके पत्नी से बोले। सेम चीज ये चाहिए, सेम चीज के दूर से बड़ी प्यारी लगती जैसे पास आती ब्लर होती जाती है। नहीं वो वाली पास से बड़ी अच्छी लगती, जितने दूर जाती फिर खराब होता जाता काम। भाई कहाँ फंसा रहे हो आप मुझे। चलो रील वाली पत्नी की बात करते हो, तुम टिकट दे दो ना, मैं पूजा को लेके चला जाऊंगा।
You're a married man. तो मैं उसका बिचारी को कोई पति नहीं, कौन लेके जाएगा उसको? मैं उसी हिसाब से बोल रहा हूँ। आप टेंशन मत करो, मैं चली जाऊँ। अरे नहीं, मैं लेके जाऊँ। आप इनके साथ जाइएगा। यार इसे शादी करनी नहीं चाहिए थी। Same to you. मुझे सलमान सर की तरह सिंगल रहना चाहिए था। Same to me. ये अभी ऐसा बातें कर रहा, लेकिन कॉलेज में मेरे चक्कर में इसने तेरे नाम वाली हेयर स्टाइल रखी थी। मैंने इसलिए रखे थे? हाँ, तब आप बताओ। हू क्या, तीन चार अपने कजन बिठा के रखे, हू कर देते बीच में। मेरा कोई नहीं आपने। अब मैंने तेरे नाम वाले बाल इसलिए रखे थे, मेरी आंखों के आगे रहे, ये मुझे दिखे ना। That's why. कितनी बातें घुमाते हो यहाँ वहाँ, इससे अच्छा अपनी बीवी को घुमा लिया करो। मैं भाई उस दिन ले गया रेस्टोरेंट, वहाँ पे लिखा था नाचोस 200 रुपए, ये आधा घंटा नाचने लग के कहते 200 रुपए निकालो। फैमिली के पीछे पड़ा रहता है। और तुम्हारी जो फैमिली 2 साल से पड़ी हुई, भाई मैं बता नहीं सकता, इसके पिताजी ऐसे ऐसे पोज में पड़े रहते ना। घर में बिल्ली भी आती ना, अपने बच्चों कहती है अगर उस कमरे में जाना तो नॉक करके जाना। वो पापा जी है ही बड़े कमाल के। देखो जैसी भी है, फैमिली फैमिली होती है। सलमान सर से सीखो, आज भी अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हैं वो घर पे। उनका भाई देखो अरबाज, तुम्हारा भाई चालबाज। एक इसका भाई 14 साल का है, उसको 15 साल की सजा हुई, पता। देखो आप कितनी संस्कारी फैमिली है। हाय राम। बिंदु, बिंदु, अरे सुन तो सही। अगर मम्मी, ओ माय गॉड, एशिया के नंबर वन बैचलर श्री सलमान जी। श्री सलमान, मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। स्वागत करेंगे आपका। सलमान भाई, मुकेश छावड़ा से पूछना, ये कास्टिंग की है? माँ बेटी की शक्लें नहीं मिल रही, देखो आप। रॉन्ग कास्टिंग। अरे सर लाइन भूल जाऊंगी। पूजा बेटा कहाँ है? अरे मैंने चश्मा नहीं पहना ना। अरे पूजा बेटा ये ले, थोड़ी एक्टिंग करके दिखा दे। मम्मी वो आलू गोभी है, क्या दे रही हो तुम? अरे बेटा जब ये अल्लू अर्जुन के साथ एक्टिंग कर सकती है तो आलू गोभी के साथ ना कर पाएगी? चश्मा लगाना भूल गई, 2 जूड़े लगा के आ गई, वो याद है आपको? जब से अल्लू अर्जुन ने पुष्पा में जंगल काटे ना, तो इन लोगों को फिर बाहर आना पड़ा। देखा बिंदु, देखा, मैंने कहा था ना तेरी शक्ल थोड़ी थोड़ी लोमड़ी जैसी मिलती है, इसलिए दामाद जी हमें जंगली कह रहे हैं। अच्छा ये आलू तो समझ गई, पर ये गोभी? ये मैं वापस ले जाऊंगी, टेंशन मत लो। ये तो सीरियस ही हो गई, करप्शन में गुजरी है पूरा। अरे वाह, जियो बेटा जियो। तुम कब से इनकी तरह बातें करने लग गई मम्मी? अरे जब से दामाद जी ने मुझे चिली पनीर खिलाया 10 रुपए का। हाँ। चिल्ला भी रही है वो, जोगेश्वरी में खड़ी है, आराम से बोलो आप। जब से दामाद जी ने मुझे चिली पनीर खिलाया। हाँ। इतनी धीरे की बोल रही, आपकी गोद में बैठी है। अरे जब से दामाद जी ने मुझे चिली पनीर खिलाया है 10 रुपए का। हाँ। किसकी लाइन में बोलो फटाफट। अरे मम्मी की है, और क्या करूं। दामाद बोला है, बोलो। अच्छा सॉरी। देखा भाई, अरे बीच में सॉरी यार। अच्छा अच्छा, हो रहा है, होता है यार, कोई बात नहीं, फिर क्या। अरे अपने दामाद के बारे में बात कर लो मम्मी। अरे सलमान जी पता है हमारा दामाद एकदम भोला है। ये तो अजय देवगन की फिल्म है, सॉरी। हमारा दामाद किसी का भाई किसी की जान है। किसका भाई और किसकी जान है? इससे इससे ज्यादा लिख के नहीं। सर इम्प्रोवाइज नहीं होता। अभी नेक्स्ट, एक बार और हंस दो। किसका भाई किसकी जान है? एक मिनट, हंस दो। तेरी लाइन है। दामाद जी ने चिली पनीर खिला दिया, तुमने शर्मा जी को सलमान खान बना दिया।
अरे तू मुझे 10 रुपए की मंचूरियन खिला के देख, अभी तुझे पूजा हेगड़े बना दूं तो बदियो? नहीं 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 मम्मी प्लीज प्लीज चुप हो जाओ, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, खड़े हैं, क्या सोचेंगे? अरे बड़े बड़े लोगों की सोचती रहेगी, तो ये सोच मेरे अपना ये सिद्धार्थ और ये राघव के बारे में कौन सोचेगा? हाँ राघव बेटा, आज अगर इसके पापा यहाँ होते ना तो बहुत खुश होते तुम्हें देख के, है ना? क्यों? क्योंकि उन्हें कॉकरोच बहुत पसंद है ना। पलक बेटा, अरे तू मुझे थैंक यू बोल। थैंक यू आंटी। अरे थैंक यू किस लिए? वो इसलिए कि मैंने श्वेता से कहा था कि तेरी बेटी सुंदर होगी, और देख सुंदर हुई, हुई के ना? थैंक यू। लेकिन ना मैं श्वेता से नाराज हूँ, क्योंकि उसने मुझसे झूठ बोला। क्या? यही कि मेरी बेटी भी सुंदर होगी, ये हुई। चीकू के पेट में चीकू ही लगता है, स्ट्रॉबेरी नहीं। अरे तो फिर चीकू के पेड़ में चीकू ही लगना चाहिए था ना, ये आलू बुखारा कहाँ से आ गया? आलू जैसा ये तो पनीर चिली खिलाना बंद करो, तुम्हारा हो चुका। चलो अरे अरे मेहमानों को बोल दूं, सुनो आलू गोभी की सूखी सब्जी बना रही हूँ, खाना सब खा के जाएंगे मेरे हाथ का। चलो तुम पहले खाओ। नमस्ते। ए, आप लोग यहाँ पे अपना सिंगिंग और डांसिंग ऐसा सेशन कर रहे थे, यहाँ पे हम पीछे से देख रहे थे, बहुत मजा आ रहा था, लेकिन थोड़ी देर और करते तो हमारी पीछे दाढ़ी निकल आती। शर्मा जी हमको एक मिनट, हम सपना देख रहे हैं कि ये सच्चाई है? सलमान खान सच्ची, जी सच्ची, हाँ सलमान भाई सच्ची में आए हैं, भाई होंगे आपके, हमारी जान है। वैसे एक बात बताइए शर्मा जी, हाँ आपका कॉमेडी थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है क्या? क्यों? नहीं ये प्रोड्यूसर साहब यहाँ पे इतने बंदे लेकर आए हैं। वो फिल्म प्रमोशन के लिए आए हैं। अरे फिल्म तो सुपर हिट है, सुपर हिट है सर, हमने देखा प्रोमो ट्रेलर, कमाल का ट्रेलर है, जोरदार था। वैसे कभी साउथ इंडिया में भी ऐसा शूटिंग वूटिंग किया है? हाँ, वो लुक हमने देखा, पर साउथ से आ रहे थे तो मेंदू छोटा लाते ना हमारे लिए। मेंदू बड़ा होता है? कहाँ बड़ा होता है, इतना छोटा तो होता है। एक टाइम पे 6 खा सकते हैं हम। हर समय खाने की पड़ी रहती है तेरे को गुड़िया? सर हमको खाने की पड़ी रहती है क्योंकि आपको नहीं रहती है। मेहमान आए हैं, एक भी बार खाने का पूछा आपने इनसे? नहीं। पूछा अर्चना जी? पूछे नहीं, कभी नहीं पूछते हैं, सीधा बैठा के इंटरव्यू में बातें 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 बातें, इतना बातें कराते हैं, छोटा सा ब्रेक आता है तो गाना गाना शुरू कर देते हैं। और फिर एंड में कहता है हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, अरे पेट में कुछ रहेगा तो आदमी हंसेगा मुस्कुराएगा। खाना बहुत जरूरी चीज है, ये इंसान सब कुछ क्यों करता है? इस पेट के लिए करता है, सिवा एक चीफ मिनिस्टर के। क्यों? वो इस पेट के लिए नहीं, वो स्टेट के लिए करता है। गुड़िया ना हंसा कर, पिछली बार भी तेरा गुर्दा निकल के बाहर आ गया था। पता है प्रोड्यूसर साहब को तो फनी है, क्यों जोर लगा रही इतना? नहीं अगर ऐसी बात है तो शर्मा जी, हाँ आपको एक खुशी की बात बताएं? बताओ। नहीं बताएंगे, आप खुशी को बता देंगे फिर हमको डांटेंगे। खुशी को बता देंगे आप। मस्ती करते रहते हैं। शहनाज जी कैसी हैं आप? आपके जो बाल है ना वो नीचे लड़कों वाले दिख रहे हैं सारे। हो सकता है अंदर एक लड़का ही हो। वैसे आपसे एक बात पूछना था, आपको जीवन में कोई डिसीजन लेना होता है, हाँ, तो आप दिल की बात सुनती हैं कि गिल की बात सुनती हैं? गिल की बात। मेरे में दिमाग तो है नहीं, मेरे में सिर्फ दिल है, तो मैं दिल की बात सुनती हूँ। ये अच्छा है भाई वाला। वैसे जस्सी गिल जी आपसे भी पूछना था, हाँ कि दिल की सुनते हो या गिल की, ये उनसे भी यही पूछोगी ना?
सेम जोक बैक टू बैक एक ही एपिसोड में हम कैसे सुना सकते हैं? नहीं पूछ गए सेम जोक को सुनाने के लिए हम एपिसोड में कम से कम 6 एपिसोड का गैप रखते हैं। पूजा जी, आप ये वो मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेंट थी ना? पार्टिसिपेंट। तो हमने भी मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेंट किया था। हाँ। लेकिन एक इतनी सी गलती की वजह से हार गए। हाँ, फाइनल राउंड से पहले मुझे आ गई थी ना। शर्मा जी, आपकी ये जो जुबान है ये सलमान खान जी की फिल्मों से इंस्पायर्ड है क्या? क्यों? चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है। रुको जरा, सबर करो। नहीं, जरूरी है। पलक जी, हाय। बहुत प्यारी हैं आप, साथ में बहुत पतली भी हैं। ऐसा लगता है तकिए का रुई किसी ने निकाल दिया है सारा। हाँ, इनका रुई निकाल दिया, किसी और को दे दिया है। शर्मा जी, ये सामने फल पड़े हैं ना? हाँ। इनको काटिए ना, हमारी बातें कहाँ काट रहे हैं बैक टू बैक। सर बोलिए ना इनको, ये बहुत तंग करते हैं, बात पूरा बोलने नहीं देते हैं। खैर, वैसे आप सलमान जी, आपको बताना था, आपके बॉडीगार्ड है ना शेरा जी? हाँ। बहुत इसमें कौन सा हास्य विनोद हो गया? कोई शक्ल नहीं याद आ गई। नहीं, बहुत अच्छा। ये पिछले वाले जोक पे हंस रही है। You give me attitude. Yeah. Okay. वैसे हम आपको बताएं, शेरा जी हमको बाहर मिले तो बहुत ही संस्कारी आदमी है वो। अच्छा? हाँ, हमने बाहर ऐसे किया। उन्होंने आगे से ऐसे नहीं किया? नहीं, उनको गुस्सा आया पर उन्होंने अपना हाथ नहीं उठाया हम पर, हमारे पास आके हमारा ही हाथ मोड़ के मुक्का बना के हमें मारा। खुद का हाथ नहीं उठाया, बहुत संस्कारी है वो। बहुत संस्कारी। इसे वायलेंस नहीं, सेल्फ डिफेंस कहते हैं। ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन। पावर नहीं, विल पावर। ओह या, इतनी लिपस्टिक तूने लगाई नहीं, इतनी खाई तूने, तेरे नहीं, वो शेरा भाई ने मारा ना मुक्का। बढ़िया। मैं एक गलती निकाल दूं प्लीज इनकी? हाँ। आपने पंजाबी सूट डाला है, साथ में साउथ की ये डाली है। आपके फिल्म का फील लाने के लिए तो किया हम इतना मेहनत है। मैं एक गलती निकालूं, मैं कहता हूं एक खूबी निकाल के बताओ, गलतियां तो कितनी निकला है। खूबी निकालने लगी, नाइस वन, आई लाइक इट। क्योंकि यहाँ पे बहुत तरह तरह के जो लोग है ना सर, बहुत स्मार्ट है, पंजाब से भी उठाए हुए है, ये यूपी से उठाए हुए, देहरादून, मतलब सारे अलग अलग स्टेट के है। हाँ, उठाए हुए, नॉर्थ से साउथ एक ट्रक गया था आलू के साथ, उसमें सब भरते भरते आ गए। पैन इंडिया इज द न्यू थिंग। अच्छा बात है। गुड़िया, तूने बताया नहीं, तू क्या करने आई आज? हमें सर शादी करना है एक्चुअली। सलमान खान जी बता रहे हैं हम बहुत अकेले हैं। तूने कैसे सोच लिया वो तेरे साथ शादी करेंगे? नहीं नहीं, इनकी से इनकी बात नहीं कर रही है, तो हमारी रेंज के बहुत बाहर हैं। लेकिन एक ये जो लड़कों का लॉट लाए हैं ना आज, आपको कौन अच्छा लग रहा है इनमें से बता दें? नहीं, हम सच बता रहे हैं, हम आपको एक बार बता दें, हम बहुत अकेले हैं। अरे इतना... आपके दांत पे लिपस्टिक लगी, आप तो पहले ही मुंह मार के आओ पीछे से। हम खाली बता रहे थे कि हम बहुत अकेले हैं, इतने अकेले हैं, हम जब अपना कपड़ा धोते हैं ना उसमें भी अगर कोई लड़के का शर्ट आ जाता है हम उसको गले लगा लेते हैं। इतने ज्यादा अकेले हैं। अभी कुछ दिन पहले नदीम जी, कहां नदीम जी, इनका शर्ट जो है वो हमारे हाथ में आ गया, हमने गले लगा लिया, फिर इतना मुश्किल से उस शर्ट से छूटे हैं हम। क्यों? क्योंकि शर्ट के अंदर ये भी थे ना। एक और हमारे दोस्त हैं। कौन? जो आजकल बड़े अकेले हैं। कौन है? जो नदीम भाई के बगल में बैठे, इनसे रातें कटती नहीं अकेली। हाँ, और आजकल ये रो देते हैं। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है बेस्ट सुटेबल मैच आपका ये ही होंगे। इनका नाम है पीपी। पीपी, ये देखो सामने है, सामने।
इनके साथ शादी कर लो, 5-6 हो जाओगे आप। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, लाइफ में चलता रहता है, ऐसा नहीं है। देखिए देखो क्या अच्छी जोड़ी है। पीपी, आई टोल्ड यू नाउ वन डे आई विल गेट यू द बेस्ट। ट्रस्ट मी, यू आर गेटिंग द बेस्ट। ये क्या है, मोटे हम ये बाहर बाहर से, अंदर से आई एम वेरी थिन। सच में बता रहा है, कल हमने अपना एक्सरे कराया, आई एम अ स्केलेटन फ्रॉम इनसाइड। देखो सीपीपी, इसमें एक एडवांटेज है कि दिन में ये लड़का, रात को ये लड़की। बात तो सही है, इतना मल्टीपल ऑप्शन मिलेगा जीवन में और क्या चाहिए। या पीपी भाई पहले आदमी होंगे जो लड़की से नहीं प्लॉट से शादी करेंगे। हम बता दिया, आई एम अ स्केलेटन फ्रॉम इनसाइड, ऐसा कुछ नहीं है। बट आप, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, पीपी जो है ना सलमान सर के साथ 24 घंटे रहते तो सिंगल रह जाओगे। ऐसा सलमान जी नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? जिन जिन के साथ रहता हूँ वो सिंगल है, उसकी वजह से मुझे सिंगल मैं सिंगल हो जा रहा हूँ। इट वर्क्स द अदर वे, बता रहा अदर वे, अदर वे। बस ज्यादा एम्बुलेंस बनने का जरूरत नहीं है, ये हमारी जो सगी मम्मी है उनके पति की बेटी है, मतलब बहन है हमारी। अच्छा। बहन है, रानी नाम है इसका। दीदी ये तो वही है ना, हुड़ हुड़ दबंग वाले। हाँ ये वही है। दीदी ये तो ढिंका चिका वाले है ना। हाँ ये वही है। दीदी लेटेस्ट नहीं हो लगता। आई लव दीदी। अरे हाँ हाँ हाँ, एक बार कमिटमेंट करती तो किसी अपने आप के बिना ही सुनता, ये वही है। तो दीदी सीधा बोली, सलमान खान ने बातें क्यों घुमा रही हैं? दीदी ये तो क्या हो गया? दीदी इनको स्लो ही समझ में आता है। दीदी वो तो पलक जी बेटी है, श्वेता जी की बेटी। हाँ। कितनी अच्छी बात है ना, इनकी माँ इनकी बहन लगती है और मेरी बहन मेरी माँ लगती है। दीदी बताइए ना, मेरे ना होने वाले जीजा जी कौन है? ना होने वाले होने वाले जीजा जी होते हैं। दीदी अगर होने वाले होते तो हो गए होते। क्या बात हुआ? अरे दीदी मजाक मजाक कर रही हूँ, बताइए ना जीजा कौन है? हमने तो उनको चूज कर लिया है, पर हमें नहीं पता ना कि वो भी हमें चूज करेंगे कि नहीं। सही बात है दीदी, पांडे आपसे शादी करेगा क्यों? पांडे पांडे का बात नहीं कर रहे हैं हम। तो दास दादा की उम्र देखिए, 65 के हो गए। दास दादा का बात नहीं कर रहे हैं, इससे पहले कि तुम नदीन जी से हमारा शादी करा दो, हम साफ साफ बता देते हैं कि हम जस्सी गिल जी का बात कर रहे हैं। दीदी वो शादीशुदा है। तो क्या हुआ, एक मोबाइल में 2 सिम कार्ड डल जाते हैं। दीदी उनके पास एक ही सिम है जिससे मैं चैट करती हूँ। क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा भाई, कुछ नहीं चल रहा, मुझे घर जाना है, कुछ नहीं चल रहा। तो राघव कैसे रहेंगे? दीदी लड़का तो ठीक है लेकिन थोड़ा स्लो है। नहीं ए, खाली डांस में अपना स्लो मोशन करते हैं, ऐसे बहुत तेज है ये। हाँ अभी थोड़ी देर पहले बाहर हमने देखा इनको, एक लड़की को चोट लगी, उसने कहा आई, इन्होंने लव यू कह के पकड़ लिया उसे। बहुत तेज है ये। दीदी आप इनसे शादी कर लीजिए, आप सदा सुहागन रहेंगी। क्यों कैसे? क्योंकि भूकंप आ जाए दुनिया खत्म हो जाए लेकिन कॉकरोच हमेशा जिंदा रहता है। क्या सपने देखे थे? टाइगर जिंदा है कि सपने देखते हैं, यहाँ पे कॉकरोच जिंदा पे सेटल होना पड़ रहा है। दीदी आपने राघव को तो ओके ओके बोल दिया लेकिन हाँ एक लड़का और भी है, सिद्धार्थ। हाँ अच्छे हैं, आई लाइक हिम, स्मार्ट है, डैशिंग है, अच्छे हैं, लेकिन क्या है कि हमारी जैसी सुडौल प्यारे खूबसूरत कम सिन कली इनके जीवन में आए, उसके लिए इन्हें भी कुछ प्रूव करना पड़ेगा ना। ओह माय गॉड, ये क्या कर सकते हैं हमारे लिए? दीदी ये गुलाटी बहुत अच्छा मारती है, बैक फ्लिप। मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। नहीं नहीं करेगा।
सिद्धार्थ शो पे गाड़ी से आए थे, ऐसे ही आए हो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, हमको ये शादी मंजूर है। अब यही चीज दीदी करके दिखाएंगी। नहीं नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे ये तो नहीं मैं आपके आपसे मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। अच्छा, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करने के लिए सेफ्टी मैट की जरूरत पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको ये स्टंट बंट आता नहीं है। हम करके दिखाएं। हाँ, दिखाइए। हट जाओ पीछे हटो। दीदी आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे लोग अपना दो हाथ ऐसा जमीन पे रखते हैं, पैर हवा में ले जाते हैं। देखा होगा। देखा देखा। हमारा देखिए, हम दो हाथ जो हैं वो भी जमीन पे नहीं रखेंगे, पैर हवा में। मजाक नहीं कर रहा देखना है। कैसे? एक मिनट, कारपेट लगेगा थोड़ा। हम आपसे शादी का बात कर रहे थे, आप यहाँ पर ये स्टंट दिखा रहे हैं। लगा आप स्टंट करने जा रही, तुम जगह बना रहे हो। अच्छा अच्छा, ये लगा टैलेंट दिखा दिए हमारा। दीदी हमने सलमान सर के लिए ऐसे लिखा है। अच्छा, निबंध 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 ऐसे लिखा है, सुना दो। दीदी लेकिन मैंने ऐसे वैसे ही लिखा है। तो वैसे ही सुना दो। दीदी वही तो आपसे पूछ रहे हैं कि जो मैंने ऐसे वैसे लिखा कैसे सुनाए। जैसे सुनाना है सुना दो। दीदी जैसे कैसे सुना दे, जैसे तो मैंने लिखा ही नहीं, मैंने तो ऐसे लिखा है। अरे जो ऐसे तुमने वैसे ही लिखा है उसको जैसे तैसे सुनाना है, सुना दो, यहाँ पे लोग इंतजार कर रहे हैं, दिखाओ अपना टैलेंट। दीदी आप तो मुझे कंफ्यूज कर दी, मैं तो भूल ही गई कि जो मैंने ऐसे वैसे लिखा है वो कैसे सुनाओ, ऐसे सुनाओ कि वैसे सुनाओ। ऐसे जैसे तैसे वैसे वैसे करके हमारे दिमाग का ऐसा का तैसा कर दिया तुमने, कुछ सुनाने का जरूरत नहीं है। तुम अंदर जाओ, तुम घर जाओ, तुम गांव जाओ। बात कर रही है। सॉरी दीदी, सॉरी। नहीं सॉरी का बात नहीं है, इतना बड़े बड़े लोग आया है, ये अपना प्रमोशन का बीच में हम तुमको प्रमोट कर रहे हैं, तुम्हें जगह दे रहा है ताकि तुम अपना ऐसे सुना सको। सलमान जी सुनने के लिए खड़े हुए हैं, तुम यहाँ पे बेकार का बात कर रहे हो। अच्छा बात है ये। सॉरी दीदी। नहीं सॉरी तो ठीक है, लेकिन बात अच्छा है। सॉरी। हाँ तो ठीक है, माफ किया तुमको, रोने धोने का जरूरत नहीं है, लड़की टैलेंटेड है, बुरी नहीं है, ये अपना क्या ऐसे सॉरी दीदी था, हाँ मान लिया ना, सुना हमने तुमको, माफ किया हमने, ठीक है। तो क्या है जब अपना ऐसे लिखती है, लिखती है, अच्छा आया, बोल दिया ना यार। बोलो सॉरी, बोलो सॉरी, हमने माफ किया, ठीक है। ये अभी हमने क्या किया, हमने माफ किया, इन सब ने तुमको माफ किया, ठीक है, हो गया। खाली बता रहे हैं कि लड़की बुरी नहीं है। really अरे भाई आप बोले कितना सॉरी बोलेगी भाई, पागल कर दिया है लगता है ना, हमको लड़के का सिलेक्शन हो नहीं रहा। हम माफ कर दिया है तुम्हें, आओ 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 बेटा आओ। थैंक यू दीदी। चल यहाँ से, माफ कीजिए, फिर मिलते हैं आपसे। भाई हमने आपको ट्रेन में फाइटिंग सीक्वेंस में बहुत बार देखा है, वांटेड में, पठान में, इसमें भी आपका फाइट सीक्वेंस है, आप सुपरस्टार हो भी। लेट आपको याद है आप ट्रेन में कब बैठे थे लेटेस्ट? कॉलेज के टाइम। अच्छा, कॉलेज के टाइम पर ट्रेन से ही ट्रैवल हुआ करता था। अच्छा जी। तो कभी कभी जो ऐसा लगता कि आज टैक्सी से चलें तो पैसे हुआ नहीं करते थे। जेवियर्स में मैं पढ़ता था और एल्फिंस्टन में भी, तो जब मैं जेवियर्स जाता था तो टैक्सी लेके जाता था, एक गली पहले रुकता था। अच्छा। वो बोलता था कि यार पहले माले से पैसे लेके आया। अच्छा। और वहाँ से गुल। तो एक ऐसा हुआ कि अब मॉडलिंग वॉडलिंग शुरू हो गया, मेरा काम वाम ठीक चलने लग गया मॉडलिंग इंडस्ट्री के अंदर। बोला चलो टैक्सी पकड़ते हो, देखा कि वाकई में पैसे नहीं थे, चलो घर पहुँचेंगे, गैलेक्सी पहुँचेंगे, गैलेक्सी दे देंगे। तो मैं एक टैक्सी वाले को रोका मैंने, वो टैक्सी वाला आया मेरे साथ और
गैलेक्सी में आया, एंटर किया सियार, और मुझे बार बार वो टैक्सी के अंदर बोल रहा था कि बाबा मैंने आपको कहीं देखा है, बाबा मैंने आपको कहीं देखा है। जैसे मैंने बोला कि पहले माले पे देखना मैं आ रहा हूँ पैसे लेकर, जो उसने मुझे गालियां बकना शुरू तो मुझे झट से समझ में आ गया कि ये वही टैक्सी वाला है जिसको मैं जेवियर्स एक बार लेके गया था और उसको पैसे नहीं दिए, तो मैं हंसने लग गया, वो भी बेचारा हंसने लग गया। आई सेड उस टाइम का जो नहीं दिया उसको इंटरेस्ट अभी तक के और आज का मिला के मैं आपको दूंगा। वाह, आप ही बकरियों के सलमान खान, कहां से आए हो? मुंह में किसी ने वैक्यूम डाला था तुम्हारे, क्या हो क्या गया है? हम तुम में इतने छेद करेंगे, और जा झूठा कहेगा, हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से लें और कहां से। हम पहले ही कंफ्यूज हैं, बाल तेरे नाम वाले, डायलॉग दबंग वाला, मुंह तेरा ऐसा जैसे जुराब में छेद हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा करना क्या चाहते हो। सर पहली बार आया है तो थोड़ा सा प्लीज प्रोफेशनली इंट्रोडक्शन दो मेरा, मैं भी पहली बार मिल रहा हूँ सर से। भाई बस ऐसा ही दोस्त है कॉलेज का, बाकी आप समझते हैं। सलमान भाई सच में आपसे मिलकर बहुत अच्छा। सलमान भाई बोल रहा है, तेरा खुद का सगा भाई तेरे को भाई नहीं बोलता, तू उनको भाई बोल रहा है। यार तेरे को अगर इतनी प्रॉब्लम है मेरे से भी इधर काम करने से, उनको भी तुमने ऐसा कर दिया तो मुझे कोई और काम पे लगवा दे। मैंने भाई इसको काम पे लगवाया, मैंने कहा भोपाल में कुत्तों का एक मेडिटेशन कैंप चल रहा है, तूने ध्यान रखना कि कोई भी कुत्ता आंख ना खोले, ये मानता ही नहीं है। ये काम है यार, कौन कुत्ता मेडिटेशन करता है? तू ही नहीं करता, बाकी सारे करते हैं। यार कोई इधर काम लगवा, अमृतसर से मुंबई इसलिए आया हूं। तो सीलिंग देखा तूने बैंड्रा वाला? हाँ। उसको नीचे से धोना है तूने। सीलिंग को नीचे से ऑलरेडी पानी है, धुल तो रहा है। वो खारा पानी है, उसको हाथ से पकड़ के साइड पर करना, मीठे पानी से धोना है तूने। करता ही नहीं काम। यार ये क्यों काम लगवा रहा है, कोई सोनी चैनल में लगवा दे मेरे को। सोनी चैनल का भी तुझे काम दिया है, पूछ ले चैनल वाली बैठी हुई है। हां प्लीज। सोनी चैनल ने कहा है कि 10 किलोमीटर के रेडियस में ना आए ये। तुझे उसके भी पैसे देने को तैयार है वो। यार अच्छा सा काम भाई, पर इसके हाथ का जादू अगर आप देखो। हाँ। हाथों में तेल लगा के 10 मिनट में कुत्ते की पूंछ सीधी कर देता है। इसका इतना टैलेंट है सलमान भाई, उसमें मेरा कोई टैलेंट नहीं है, मेरे दोस्त ने तेल इतना बढ़िया बनाया। हाँ। किसी भी चीज पर लगाओ सीधी। देखा, वहां पे भी क्रेडिट मुझे दे रहा है। एक बार इसने कुत्ता रखा, कुत्ते को कहता मेरी बात सुन, कोई भी चोरी करने आए तूने जोर शोर से भौंकना है। कुत्ता कहता तू मेरी बात सुन, 3 दिन से तूने मुझे दूध नहीं पिलाया, तेरे घर चोर क्या करने आएगा? कहता सीरियसली कुत्ते ने अपनी लीश निकाल के दे दी इसको, कहता ये इसको गिरवी रख मुझे कुछ खिला। सलमान भाई इसने कुत्ता रखा अपनी आदत से मजबूर, कुत्ते को कह रहा है, कहता कभी सोचा था कपिल शर्मा शो में आ गए? उसको कहता कहता कभी सोचा था तुमने कि तुम कपिल शर्मा के घर में आओगे? हाँ, फिर उसने मुझे बताया इसने। सर मैं सच्ची में कॉलेज में, मतलब अभी तो आप ऐसा देख रहे हो, कॉलेज में मैंने भी बॉडी बनाई थी सेम, मैंने प्यार किया वाली। हाँ एकदम टाइट, पता नहीं जैसे ही बॉडी बनाई मुंह खराब हो गया। पता नहीं क्या चक्कर, रिएक्शन कर गई वो। सर इनको नहीं पता लगता, ये हैं आलू वाले कुलचे खाने वाले बड़े मुंह वाले, ऐसा स्मार्ट मुंह हो जाए ना तो इनको लगता मुंह खराब हो गया। अच्छा मैं तो अमृतसर में आलू वाले कुलचे, तू बड़ा स्कॉटलैंड में पैदा हुआ है। आपको पता है डाइट कैसी करता था, जिम के बाहर लोगों को जाके आता, आप तो अंडे वाला जो पीला वाला निकाल के फेंक देते हो, आपने तो फेंकना ही है, तो कहता मुझे दे दो। इसके बाद पीली गोलियां बहुत सारी है। राजू एक बात बात, तुझे पता अंधेरी के बाद क्या आता है? बिले पार्ले। अंधेरी के पहले क्या आता है? जोगेश्वरी। जब सारे रास्ते पता है तो रिक्शा क्यों नहीं चलाता तू? फालतू में इधर आके तंग करता है। जहां चार लड़कियां देखी, ही इज जस्ट जेलस। जेलस किस बात को? मैं, तू बड़ा एलन मस्क का पोता है तू। यार ना भी हूं, हैंडसम स्मार्ट आदमी हूं। स्मार्ट आदमी भाई आपको मैं बता नहीं सकता, जिस दिन इसकी शादी होने वाली थी लड़की देखने गया ये, तो लड़की चाय लेके आई, कहती चीनी कितनी लेंगे? कहता चीनी बड़ी है, मुझे आटा दे दो। जा यार। और खुद शादी से पहले 15 लड़कियां देखी हुई, सबको मना कर दिया, फिर किसी ने बताया, कहते किसी लड़के को साड़ी पहना के देखो, शायद उसको पसंद आ जाए। ये शादी के बाद हनीमून मनाने गया, होटल वालों ने कहा ये रहा स्वीट। इसकी वाइफ कहती नहीं हमें स्वीट नहीं, हमारा बजट नहीं। कहते नहीं हमारी तरफ से है, पति नहीं अच्छा मिला, कमरा ढंग का लो आप। तो ये गिफ्ट मिला इनको। भाई नॉर्मली होटल में जाओ ना तो उन्होंने बेडरूम पे ना वो रखा होता है तौलिए का बटक बना के,
ये हनीमून के बाद अंदर गया, उन्होंने तौली से थप्पड़ बना के रखा होता है। खबरदार बेड पे चढ़े दो। यार इतना तो मेरी सुहागरात तो शादियों के बारे में जानता है सर, पिछले 25 एपिसोड से मेरी शादियां सुहागरा सब पता है इसको। एक तो मैंने बताया नहीं कौन सा, जब जो लड़की चाय लेके आई थी तो वो गई चाय देखने आई, कहते लड़का कौन है, कहते ये, कहते ये उसने चाय का कप पकड़ा, कहते ये। सर एक मिनट, बहुत हो गया है सर, मैं वैसे अंदर से हैंडसम आदमी हूं, उल्टा उसकी वजह से अच्छा लग रहा था। क्या कर दिया। पर सच में सलमान भाई आपकी फिल्म का ट्रेलर बहुत अच्छा है, और बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, ऑल द बेस्ट फॉर योर मूवी। आपको हम सब की ओर से हम आपको सीरियसली बेस्ट ऑफ लक विश करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि आपको उसकी सख्त जरूरत है। जब तक आपके ऐसे दोस्त हैं आपका कुछ नहीं होने वाला। सीरियसली क्या बोल रहे? हाय कपिल सर। हेलो। हेलो एवरीवन। सो राघव सर, आई लाइक योर लॉर्ड, अब मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मतलब सलमान सर के थोड़े बाद। तो सबको तो पता है, थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा। अगर थोड़े बाद है तो ये तो कभी भी टेक ओवर कर जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा तुमको भाई। नहीं नहीं, वो आपका भी लेवल बढ़ता जाएगा ना। तो सबको तो पता ही है यू आर अ किंग ऑफ स्लोमो ऑब्वियसली, तो अभी आपने हर स्लोमो अकेला ही किया है, तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे आपके साथ स्लोमो करना है। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां किसी का भाई किसी की जान की पूरी स्टार कास्ट के लिए। आइए सर। सलमान भाई थैंक यू सो मच, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।